मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने करा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम, नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन। पॉपुलर मेथड, मोस्ट पॉपुलर मेथड, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता ये मेथड, स्टिल इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज मैथमेटिकल मेथड। तुम्हें इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करने देते, तुम्हें भी कैलकुलेटर यूज करने थे तो कोई दिक्कत ही नहीं सर, फिर तो बहुत अच्छा मेथड है, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज मैथमेटिकल मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सेकेंड मेरिट, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम का ड्रॉबैक क्या था, वो क्वांटिफाई नहीं कर पाया किसको, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को। उसने कोरिलेशन तो बताई कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाई है या लो है, बट इट कुड नॉट क्वांटिफाई, इट कुड नॉट क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो वो जो लिमिटेशन थी स्कैटर डायग्राम की, वो पूरी कर दी किसने, कार्ल पियर्सन ने। तो कार्ल पियर्सन ने आपको डिग्री भी दी, डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तो उसमें भी पता चल गया था, बट डिग्री नहीं पता चली थी, तो डिग्री यहां से पता चल गई। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट समराइजेस इन वन फिगर नॉट ओनली द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बट ऑल्सो द डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इट गिव्स द डायरेक्शन, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव साइन मतलब देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव साइन देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक चीज बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है, तो देयर इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रही है, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर, डिग्री एंड डायरेक्शन। डीमेरिट्स, इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ईच एंड एवरी वैल्यू, it takes into consideration each and every value, it is a drawback, yes, but that is what makes it more accurate, that is what makes it more accurate because it is taking into consideration each and every value, affected by extreme value matlab kisi ki value ekdam se bahut zyada ho gayi to it will affect your result, the calculation which you are making. So Carl Pearson's coefficient of correlation, yes, it is affected by extreme values, so it is a drawback, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है कि हर एक वैल्यू को कंसिडर करना। द वैल्यूज ऑफ कोरिलेशन आर अनड्यूली अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स, टाइम कंज्यूमिंग, यस वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एज कंपेयर टू अदर मेथड्स इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। अजम्पशन, अजम्पशन में आ गया था अजम्पशन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, अरे तो बहुत बड़ी अजम्पशन हो गई ना फिर, लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब होता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप होगी, कह रहे ये तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया, कह रहे लेकिन अजम्पशन है, अजम्पशन इसीलिए तो ली जाती है कि भाई ये मानना पड़ेगा कि ये है तब ये रूल एप्लीकेबल होंगे, तो इनकी अजम्पशन है लीनियर रिलेशनशिप की, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑलवेज अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द अजम्पशन इज करेक्ट और नॉट, कह रहे अजम्पशन ली गई है। पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, one has to be very careful in interpreting the value of the coefficient of correlation as very often the coefficient is misinterpreted, the coefficient is misinterpreted, why, because it is not necessary that having correlation will mean that there is some cause and effect relationship also, so you have to be careful while interpreting the data ki dekho to do kya hain, दो चीजें क्या स्टडी हो रही हैं कि यूजेज ऑफ फैन एंड यूजेज ऑफ पेन, ठीक है ना, अब मतलब दोनों में कोई लेना देना नहीं है, बट बाय चांस वैल्यूज ऐसे हुई कि जब जब पंखा ज्यादा यूज होता है तब तब पेन ज्यादा यूज होता है, बाय चांस वैल्यूज ऐसी आ गई तो कोरिलेशन हाई आ गई कि नहीं आ गई, कि सर जब पढ़ूंगा तो पंखा चलाऊंगा ना, जब पंखा बंद है मतलब मैं नहीं पढ़ रहा, अरे कैसी बातें कर रहे, अभी पंखा चल रहा है क्या, सर्दियां हैं अभी, नहीं चल रहा ना, फिर भी पेन तो चलेगा ना, कह रहा नहीं नहीं सर सर्दियों में हम नहीं पढ़ते, बट मैं कह रहा हूँ मैथमेटिकली तो वो चीज आ सकती है कि जैसे जैसे फैन की यूजेज बढ़ी वैसे वैसे पेन की यूजेज बढ़ी, दोनों में कह रहे भाई मतलब बिल्कुल कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि कोरिलेशन कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स, तो बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप किन चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, तो
इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके, चलो कार्ल पियर्सन में क्या था कि क्वांटिफाई कर रहे हैं कोरिलेशन को। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड कैन बी एसर्टेन ओनली व्हेन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर अवेलेबल, वैल्यूज अवेलेबल है। हाउएवर इन मेनी केसेस डायरेक्ट मेजर ऑफ फिनोमेना अंडर द स्टडी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स लाइक एफिशिएंसी, कौन ज्यादा एफिशिएंट है। अब कभी कभी उसको क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, बट रैंक कर सकते कि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, फिर ये एफिशिएंसी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, एबिलिटी हो गई, ब्रेव। अब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो कोई तरीका नहीं है मेजर करने का, लेकिन जज बिठा देते हैं ना कि रैंकिंग, वो उनको पॉइंट्स देते हैं तो, लेकिन रैंक किया जा सकता है ना इसका मतलब, फिर तो इसी रैंकिंग होती है। वरना अगर कोई हमारे पास इंडिकेटर थोड़ी ना है कि भैया ये कितना ब्यूटीफुल है और वो कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है ना, इंडिकेटर नहीं है। बट अगर जज साहब को बिठा दिया जाए, मल्टीपल जैसे ना 5 जजेस को बिठा दिया, चलो आप इनकी रैंकिंग करो, तो रैंकिंग पॉसिबल है। तो कह रहे कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी मेजरमेंट क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, बट रैंकिंग देना पॉसिबल है। तो वहां के लिए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्यादा सूटेबल रहता है, और उन्हीं के लिए ही सूटेबल रहता है जहां रैंकिंग्स देनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वांटिटी में तो क्वांटिफाई हो सकता है, प्राइस क्वांटिफाई हो सकता है, वेट भी क्वांटिफाई हो सकता है। क्वांटिटी प्राइस जो जो मेजर हो सकता है वो क्वांटिफाइबल है, जिसकी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है वो क्वांटिफाइबल नहीं है। ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, तो इनकी फिर रैंकिंग होती है। सर इंटेलिजेंस है ना, मार्क्स, टेस्ट, ये वो तो एक तरीका बना दिया, वो इंटेलिजेंस नहीं मेजर कर रहा, वो तो हमने तरीका बना दिया क्योंकि हमारे पास कोई और तरीका है नहीं कि चलो इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। आइडिया और है वो कोई एग्जैक्ट, अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े हो गए तो क्या वो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, यस और नो? बिल्कुल, तो वो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गई, क्वांटिफाई कर सकते हैं। बट मैंने आपका टेस्ट ले लिया, उसमें जो मार्क्स आ गए, क्या वो आपकी इंटेलिजेंस का ट्रू इंडिकेटर है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मतलब इंटेलिजेंस तो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट होता है ना। अब मेरी इंटेलिजेंस का मेरे इकोनॉमिक्स के मार्क्स से क्या लेना देना, या मेरे अकाउंट्स के, या मेरे किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स से लेना देना क्या मेरे इंटेलिजेंस का? हो सकता है उस दिन मैं पढ़ के नहीं आया तो मेरा मार्क्स कुछ और होंगे, मेरे को 4 दिन दे दो फिर ले लेना सेम टेस्ट, मार्क्स एकदम से चेंज हो जाएंगे। तो क्या एकदम से आपकी इंटेलिजेंस का लेवल चेंज हो गया? मतलब खुद सोचो, इंटेलिजेंस कितनी बड़ी चीज है, तो 3 दिन में चेंज हो जाएगी आपकी इंटेलिजेंस? नो। तो पॉइंट इज कि इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि कोई तरीका नहीं है उसको मेजर करने का, तो ऐसे तरीके बनाए जाते हैं क्योंकि हमें रैंकिंग तो करनी है, ठीक है ना। तो ये फर्क रहता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए सारे।